हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सेलिब्रिटी वाइंस। ये मेरे चैनल पर मेरी चौथी वीडियो है जो पिछली तीन वीडियो से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में मैं अपने चैनल पर आपको एक ड्रामे का रिव्यू दे रही हूं जो कि ARY पे टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें हीरोइन है दुर्गा फिशा और दानिश शर्मा उसके हीरो हैं। और इस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। ये ड्रामा पूरी खुदगर्जी पर बेस करता है, जिसमें दानिश तैमूर एक बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद हैं और दुर्गा फिशा एक शहूदन की बेटी है और एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है अपने ही कज़न से, जो कि को स्टार आपको आगे वीडियो में नज़र आएंगे। हम्माद वो इनके कज़न हैं और इनकी शादी भी तय हो चुकी है, पर अचानक दानिश तैमूर की नज़र दुर्गा फिशा पर पड़ती है और उनको वो एक ही नज़र में पसंद आ जाती हैं और वो मालूमात करवाते हैं अपने गुंडे जो उनके फ्रेंड्स होते हैं गैंगस्टर टाइप के, उनसे मालूमात करवाते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरा रिश्ता इससे कर दीजिए। शहूद अलवी जो उनके फादर हैं दुर्गा फिशा के, उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आप जहाँ भी इनकी तय है मुझे इनसे शादी करनी है। टीपू इनके बड़े भाई हैं दानिश तैमूर के, जो कि काफ़ी सेंसिबल हैं, वो उन्हें समझाते भी हैं कि इस तरह नहीं होता और स्टैंडर्ड हाई खुद ब खुद हो जाएगा। उनकी भाभी भी इनके खिलाफ हो जाती है, पर वो बिल्कुल नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते, बल्कि उस लड़की को तंग करना शुरू हो जाते हैं और उस लड़की का इंगेजमेंट जिससे हुई भी है, यानी हम्माद जो उनके को स्टार है, उसको भी अगवा कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उससे शादी करी और शादी करने से पीछे ना हटे तो मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर लूँगा और मुझे किसी को मरवाने में कोई मसला नहीं, और मैं जिसको मरवा दूँ का पता भी नहीं चलता, उसकी लाश तक नहीं मिलती। तो वो घर आके वापस आके शादी से इनकार कर देते हैं। इनको बहुत अफसोस होता है कि अब क्या होगा इनकी बेटी के साथ। आगे के टीजर्स में देखने से ही मालूम होता है कि ये खुदगर्जी पे बेस है, जाहिर सी बात है ड्रामा। तो ये शादी होगी इनकी दानिश तैमूर से ज़बरदस्ती ब्लैकमेल के थ्रू, और उसके बाद दुर्गा फिशा की लाइफ कैसी गुजरती है, क्या उसमें वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।